था, पेनी स्टॉक्स में गिनती की जा रही थी, लेकिन कुछ कुछ सरकार की पॉलिसीज और कंपनी की अपनी अंदर की स्ट्रेंथ, ये दोनों जब क्लब हुई तो भाव हमने 44-45 रुपए के भी देख लिए 2023 में। अब चूंकि छोटे साइज का ये शेयर है, कई बार उसको प्रतिशत के लिहाज से देखना सही नहीं होता है, लेकिन निमेश जी क्या मान के चले कि सुजलॉन के जो बुरे दिन थे अब वो कहीं दूर पीछे छूट गए हैं और अब एक नई जो रैली की शुरुआत है कम से कम 2024 में तो चलती रहेगी? देखिए, कंपनी ने डेट कम किया है वो डेफिनेटली अच्छी बात है, बट देखिए जिस तरह से स्टॉक के अंदर रैली आया है और आप फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। मुझे लग रहा है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, और नॉर्मली देखें तो रिटेल जो पार्टिसिपेशन रहता है उसके छोटे प्राइस के स्टॉक के प्रति जो आकर्षण रहता है वो ज्यादा रहता है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यू चल रहा है। अभी भी आप वैल्यूएशन देखें तो अराउंड 140 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो ज्यादा देर सस्टेन होगा मुझे नहीं लग रहा है। मेरी राय क्लियर है कि ये काउंटर से आप एग्जिट कर दीजिए। पावर स्टॉक के अंदर, पावर स्पेस के अंदर काफी अच्छी कंपनियां हैं जो बेहतर रिटर्न दे सकती है, तो आई थिंक जिन लोगों ने लोअर लेवल से लिया है उसको एक बार एग्जिट करने की राय है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वहां पर 25 रुपये का एक 25 रुपये तक एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक हाई लेवल पे है तो यहाँ से एक बार एग्जिट कर देना ही सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है सुजलॉन के अंदर। इसलिए मैं आपको एग्जिट की राय देता हूँ और 25 रुपीज का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, सुजलॉन से एग्जिट की राय है, बहुत तेजी से चला है, फंडामेंटल्स बहुत चेंज नहीं हुए हैं, तो अब सतर्क रहना चाहिए कम से कम सुजलॉन के शेयर में।